ओके, रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। और आज अपन रिवीजन क्लास में जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट के बाद में एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से, तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है विलियन हिंदी में इसको बोलते हैं। इस चैप्टर के बारे में अपन जो इसके बेसिक फंडामेंटल लॉजिक्स हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन चैप्टर। तो देखो, सॉल्यूशन चैप्टर सबसे पहली बात, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। विलेय और विलायक का एक समांगी मिश्रण विलयन होता है। ठीक है, विलेय जो कम मात्रा में, विलायक जो ज्यादा मात्रा में है, दोनों का मिश्रण क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। और समांगी होता है, समांगी और विषमांगी में क्या अंतर होता है? समांगी तो जो पूरी तरह से एक दूसरे में मिले हुए हो, है ना, वो तो होता है होमोजीनियस। और हेटरोजीनियस होता है जो पूरी तरह से मिले हुए नहीं हो। जैसे होमोजीनियस के एग्जाम्पल हो गए, शुगर को वाटर में मिलाया, है ना, तो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। लेकिन आप कंकड़ को पानी मिलाओ तो कंकड़ मिलेगा नहीं, तो वो हेटरोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेशन हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और सॉल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं। जैसे ये हो गया एक, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके घटक केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही रहे, और दूसरे भी हो सकते हैं। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। और इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, द्वितीयक विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, कंसिस्टिंग टू कंपोनेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। और सॉल्यूशन के जो स्टेट होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं। टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है, 3 × 3 × 3, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैस 3 बार हम सॉल्वेंट की तरह ले लिया, गैस को गैस में, लिक्विड को गैस में, सॉलिड को गैस में, तो ये गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है? गैस है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर यानी कि जो आपका कपूर हो गया, उसको नाइट्रोजन गैस में मिला दिया। तो गैस का गैस में तो हो गया, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में मिक्सर, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। लिक्विड का गैस में क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, उसमें मिला दिया। सॉलिड गैस में कपूर नाइट्रोजन गैस में हो गया, तो ये सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन में गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का एथेनॉल वाटर में, सॉलिड इन लिक्विड का हो गया ग्लूकोज वाटर में। सॉलिड सॉल्यूशन का गैस किसी सॉलिड में, जैसे हाइड्रोजन गैस जो है उसको पैलेडियम में अगर हम मिलाते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल जो होगा एमलगम ऑफ मिक्री विद मरकरी विद सोडियम। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। तो ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो सांद्रता है, कंसेंट्रेशन है किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, उसको अपन अलग अलग जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनसे समझते हैं। जैसे सबसे पहली टर्म आती है मास परसेंटेज, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, W/W बोलते हैं इसको। तो ऊपर तो आता है किसका? सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर देते हैं, तो इससे क्या आ जाता है? वेट बाय वेट परसेंटेज आ जाता है। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मतलब कौन सा हो गया? वो सॉल्यूट की बात कर, तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, तो इससे वेट बाय वेट आ जाएगा। जैसे 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें 10 ग्राम कौन है? ग्लूकोज है, और 90 ग्राम वाटर हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या होता है? ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो इससे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। तो ऊपर वॉल्यूम आयतन ले लें सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का इनटू 100। जैसे 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या हो गया? अगर आप 100 ml सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें 90 ml तो वाटर होगा और 10 ml किसका होगा? एथेनॉल का होगा। 35% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोन एंड एंटी फ्रीजेंट है, जिसको कार में कूलिंग के लिए यूज करते हैं इंजन में। तो ये इसमें कंसेंट्रेशन जो है 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ली जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि W/V। ऊपर तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट और भी हो सकता है इसमें, V/W भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो
बात बस ध्यान में आपको क्या रखना है, ऊपर तो होता है सॉल्यूट, नीचे होता है सॉल्यूशन, इनटू 100 करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं पीपीएम, है ना, मिलियंस में कितना पार्ट है ना, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10^6 में उस कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के साथ कितना पार्ट है। ऊपर तो कंपोनेंट के पार्ट्स हो गए, नीचे टोटल सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 10^6 से, तो वो क्या देगा हमें, पीपीएम दे देगा। जैसे 100 का मल्टीप्लाई किया तब तो क्या देता है, पार्ट्स इन परसेंटेज, और 10^6 से मल्टीप्लाई किया तो पार्ट्स इन मिलियन, और 10^9 से मल्टीप्लाई किया तो पार्ट्स इन बिलियन, पीपीबी हो जाता है, पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है वो। आई बात समझ में? तो ये तो पार्ट्स पर मिलियन है, और 10^9 से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर तो उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय नीचे रहते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट, जितने भी उस सॉल्यूशन में मोल्स मौजूद है उन सभी के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनका डिवाइड कर देंगे। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na+NB हो जाएगा, यानी कि ए और बी का टोटल मोल्स, ऊपर ए के मोल्स, और किसी का X1 निकालना है तो ऊपर तो N1 हो गया, नीचे N1+N2+N जो भी हो गया, या फिर XI हो गया, तो उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और जितने भी मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है, जितने भी कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन उनका समेशन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जितने भी मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ दें, जितने भी उस मिलियन में पाए जाते हैं सॉल्यूशन पाए जाते हैं, उनको जोड़ने के बाद में क्या मिलेगा, 1 मिलता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, से वेपर प्रेशर कंसेंट्रेशन, तो मोल फ्रैक्शन काफी जगह यूज होता है। और कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है एथिलीन ग्लाइकोल, उसका 20% बाय मास है, पहले हमें वेट बाय वेट दे रखा है, उसको किसमें बदलना है, मोल फ्रैक्शन में बदलना है, तो वेट बाय वेट दे रखा है, तो हम मानेंगे कि 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन लिया, तो उस 100 ग्राम में 20 ग्राम कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम कौन हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना, तो आप ये एज्यूम करके चलोगे, अब एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास निकाल लो, 62 ग्राम पर मोल आया, कैलकुलेट कर लोगे, 12 × 2 + 6 × 1 + 6 × 1 + 12 × 2, तो 62 ग्राम पर मोल आ गया। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालने हैं तो ऊपर तो जाएगा इसका जो 20 ग्राम अपन ने एज्यूम किया है कि 100 में 20 है, तो 20/62, और फिर वाटर के मोल्स आ जाएंगे 80/18, तो ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन क्या हो गए, 0.322/टोटल मोल इक्वल हो जाएगा 0.068, और वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने तो ऊपर वाटर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो वेट बाय वेट दे रखा था, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान दे रखा था, और हमने क्या निकाल लिया, ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। आई बात समझ में? तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे याद रखना है, मोल पर लीटर, है ना, और मोल्स तो होते हैं सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका होता है नीचे, लीटर किसके होते हैं, सॉल्यूशन के होते हैं, तो सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, ये हमें मोलैरिटी देता है, इसको कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है। जैसे 0.25 मोल पर लीटर कोई सॉल्यूशन है, या अगर तो उसको अपन 0.25 m लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल NaOH जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है। ठीक है, और 1 लीटर जो होता है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है, यानी कि DCM का होल क्यूब उसके बराबर भी होता है 1 DCM, ये आप आराम से देख सकते हो। डेसीमीटर क्या हो गया, 10^-2 मीटर, है ना, सेंटी होता है सॉरी डेसी होता है 10^-1, और सेंटी होता है 10^-2, है ना, तो वो चीजें आप लोग ध्यान में रखनी है इसको लेके। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम NaOH है, किसमें है, 450 ml सॉल्यूशन में है, तो 5 ग्राम NaOH के पहले तो मोल निकालेंगे, NaOH का मोलर मास 40 होता है, तो 5/40 कितना हो गया, 0.125 मोल्स हो गए NaOH के,
और वॉल्यूम निकालना है तो 450 ml है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ml पर लीटर का डिवाइड कर देंगे और फिर उससे मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है। और लीटर इनवर्स जो है उसको डीएम मीटर क्यूब इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है मोल पर केजी, लेकिन ये केजी किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है, विलायक का होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। ऊपर तो आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे 1 मोल पर केजी यानी कि 1 मोलल, इसको मोलल बोलते हैं, स्मॉल एम होता है उसको तो मोलर बोलते हैं, मोलैरिटी की यूनिट को, और इसको बोलते हैं मोलल, ठीक है। तो 0.1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि केसीएल का 1 मोल 1 किलो पानी में मौजूद है, ठीक है। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है, तो पहले तो एथेनोइक एसिड का मोलर मास निकाल लिया, है ना। CH3COH एसिटिक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, 60 ग्राम आ गया। 75 ग्राम बेंजीन है, सॉल्वेंट का मास ग्राम में दे रखा है, तो उसको हम किलो में बदलेंगे, 75/1000 का डिवाइड करके, और जो एथेनोइक एसिड है उसके मोल्स निकाल लेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो इससे मोलैलिटी आ जाएगी, मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड अपॉन मास ऑफ बेंजीन, ये आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, जैसे आज करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, जिससे आपके सारे जो पहले वाले हैं सारे रिपीट हो जाएंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। विलेयता क्या होती है कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम अमाउंट जो है हम डिजोल्व कर सकते हैं, उसका एक अधिकतम मात्रा जो है उसमें हम मिला सकते हैं। उस अधिकतम मात्रा से अगर ज्यादा मिलाते हैं तो मिलेगा नहीं, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं ओवर सैचुरेटेड, है ना, अति संतृप्त विलयन। और जितना मिला सकते हैं और उतना ही मिलाया तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, ठीक है। और एक होता है अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, जैसे कम मिलाया है जितना मिला सकते थे मैक्सिमम, उससे कम मिलाया तो ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्वड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, तो हम टेम्परेचर को भी स्पेसिफिक बना देते हैं, कोई निश्चित तापमान पे किसी विलेय की विलायक में मिलाई गई अधिकतम मात्रा को क्या दे देते हैं, उस विलेय की विलेयता बोलते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, कई चीजों पे डिपेंड करती है, आगे अपन सारी सॉल्युबिलिटी पे ही काम चलता है अपना। और इन इफेक्ट्स को सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सॉलिड और गैस का लिक्विड में। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड की लिक्विड में जब सॉल्युबिलिटी होती है तो इसका जो पूरा प्रक्रिया होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी चीजें ध्यान में रखें। तो प्रक्रिया क्या होता है, पहले तो डिसोल्यूशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन होता है। डिसोल्यूशन तो क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूट को जब आपने मिलाया सॉल्वेंट में तो उसके पार्टिकल टूट टूट के सॉल्यूशन में मिलने लग गए, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं अपघटन। और दूसरा वापस क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में भी क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि जो सॉल्यूट के टूटे हुए पार्टिकल्स है वापस मिलके इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों प्रोसेस की रेट, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सेम हो जाता है, उस समय अपन क्या बोलते हैं कि ये अमाउंट अब फिक्स है, अब जो सॉल्यूट है वो उससे ज्यादा ना तो घुलेगा ना उससे कम घुलेगा, तो उसको अपन बोलते हैं उसकी सॉलिबिलिटी, ठीक है। और ऐसा जब सॉल्यूशन अचीव हो जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ओके। और एक अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, अंडर नहीं उसको अनसेचुरेटेड बोलेंगे, निम्न संतृप्त विलयन जिसमें कम घुलावा है, और एक ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, अपन बात कर रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में, है ना। पहला टाइप क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो टेम्परेचर इफेक्ट जो है डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन क्या है। अगर सॉलिबिलिटी एक्सोथर्मिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन का, तब सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर मान लो
आपने सॉलिड को उस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है और रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी ना? नहीं, एक्सो के केस में तो टेम्परेचर घटाना होगा और एंडो के केस में टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा कि एक्सो या एंडो है, प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड अनकम्प्रेसिबल होता है, तो नेग्लिजिबल होता है। अब गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है, सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट का बात करें तो गैस का लिक्विड के अंदर डिजोल्व होना हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जब बाहर होते हैं लिक्विड से तब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उधर बहुत ज्यादा तेजी से घूमते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर आते ही उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर फ्रीली ज्यादा मूव नहीं कर सकते, तो उनकी वेलोसिटी में कमी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। यही लॉस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनाता है गैस का किसी लिक्विड में डिजोल्व होना। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता हमेशा कम होगी। ऐसा सोच सकते हो भाई, गैस के पार्टिकल उड़ उड़ के भाग जाएंगे, है ना, जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उनको ठंडा कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो CO2 डिजोल्व किया हमने वाटर के अंदर सोडा बनाने के लिए, उसको वो उससे बाहर ना निकले, तो ठंडे में ज्यादा सॉल्युबल होगी तो ज्यादा पीने में हमें कोल्ड ड्रिंक जैसा एहसास होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का काफी इफेक्ट पड़ता है और इसके लिए अपन हेनरी लॉ पढ़ते हैं। तो हेनरी लॉ क्या होता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो किसी भी गैस की विलेयता उस द्रव में विलेयता, उस गैस की उस द्रव की सतह के ऊपर जो आंशिक दाब होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, आंशिक दाब होता है, उसके समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को हम एज ए मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, हालांकि सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे मोलैरिटी की तरह भी लिया जा सकता है। आप क्वेश्चन में जो केएच की यूनिट होगी ना, यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट जो डिफाइन करते हैं, उस केएच की यूनिट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कैसे ये लॉ यूज करना है। हालांकि 99% केसेस में पी बराबर केएच इनटू काई होता है या फिर एक्स होता है, ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू केएच यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू एक्स यानी कि उस गैस का उस लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन, है ना। और सॉल्युबिलिटी को निकालने के लिए हम मोल फ्रैक्शन की यूनिट का भी यूज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को निकालने के लिए हम मोल फ्रैक्शन, वेट बाई वेट, वी बाई वी, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी उनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है ज्यादातर। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन विपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्यूशन, पी बराबर के एस इंटू एक्स, वेयर के एस इज हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, ये ग्राफ का कॉन्स्टेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसका जो स्लोप होगा हमें उसकी के एच वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, KH वैल्यूज ऑफ बोथ N2 एंड O2 इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और KH और सॉल्युबिलिटी में इनवर्स रिलेशन हो गया, KH इंटू काई बराबर पी हो गया, तो KH क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई हो गया, एक्स हो गया। तो x बढ़ाओ, x बढ़ाना है तो pH क्या होना चाहिए, कम। सॉल्युबिलिटी बराबर होता है ना ये काई डॉट के, हाँ क्या इनटू काई सॉल्युबिलिटी बराबर, ना ना ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जैसे गैस का कोई पार्शियल प्रेशर है ना, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है kH इनटू काई के, ये रिलेशन होता है। यहाँ पे काई जो है ना ये मोल फ्रैक्शन होता है, और ये मोल फ्रैक्शन किसका मेजरमेंट है, हाँ ये बात है, मोल फ्रैक्शन किसका मेजरमेंट है, सॉल्युबिलिटी का ही मेजरमेंट है, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने का तरीका है। और ये पी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गैस एट लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस है ना
उसके ऊपर का पार्शियल प्रेशर है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ से आप ये देख सकते हो कि भाई के एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन काई हो गया ना, अगर मैं पी अपॉन एक्स कर दूं या काई कर दूं तो एक्स जब डिक्रीज होगा तो काई क्या है, ये के एच जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मोल फ्रैक्शन घटता है, सॉल्युबिलिटी घटती है, तो के एच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। यस, तो टेम्परेचर बढ़ाने से के एच बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से के एच घटता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज जाना है। ओके, और इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस विल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट N2 एग्जर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार और हेनरी लॉ कांस्टेंट N2 का दे रखा है 76.48 किलो बार। किलो बार यानी कि 10^3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पार्शियल प्रेशर दे दिया, केएस दे दिया, तो इससे नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, उसमें डिसॉल्व है। अब 1 लीटर जो वाटर होता है ना, उसको हम मान लेंगे कि वो 1 किलो वाटर के बराबर ही है, तो उसके मोल कितने हो गए, 55.5 हो जाते हैं ना। आप 1000 में 18 का डिवाइड कर दो, 55.5 आ जाएंगे। तो वाटर 1 लीटर यानी कि 55.5 मोल हो गया। तो वही है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। नाइट्रोजन के मोल्स बहुत कम है तो उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, नीचे उसको 55.5 ही ले लेंगे। तो ये किसके इक्वल हो गया, जो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के निकाले उसके बराबर हो गया। तो 55.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ गई एन की वैल्यू आ गई। और इसको मिली मोल में कन्वर्ट करना है तो 10^-3 का और डिवाइड कर दो, 1000 मिली मोल का डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 0.716 मिली मोल आ जाएगा। ठीक है, और हेनरी लॉ के कई सारे एप्लीकेशन है, जैसे जो सोडा बनाना है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री है, स्क्यूबा ड्राइवर्स है ना, ये सारी मैंने बताई थी। बैंड डिजीज हो जाती है वगैरह वगैरह, हाइट एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाती है, इस वजह से ऐसे चक्कर से आने लगते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बता दिया अभी। ठीक है, हमेशा ऑलवेज क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों न्यूमेरिकल कर लेना। और नेक्स्ट अब अपन लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड भी कौन से, वोलेटाइल लिक्विड, किसी द्रव की द्रव में विलेयता, किसी द्रव की द्रव में विलेयता पढ़ते हैं। और द्रव भी कौन सा, वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड का होने का मतलब क्या है, जिसका रूम टेम्परेचर पे, ऐसा लिक्विड कोई जिसका रूम टेम्परेचर पे उसकी सरफेस पे वेपर फॉर्म होती है, वेपर यानी कि वाष्प बनती है ना। रूम टेम्परेचर पे कोई ऐसा द्रव है जिसकी सरफेस के ऊपर वेपर बनती है, वाष्प बनती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, उनका कोई दूसरे वोलेटाइल लिक्विड्स में जो सॉल्युबिलिटी, उसको पढ़ने के लिए हमें पहले वेपर प्रेशर को पढ़ना पड़ेगा। वेपर प्रेशर क्या है कि किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए उसकी सरफेस के ऊपर, लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर जो वेपर है, वेपर जो प्रेशर लगाती है, वही उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। और वेपर प्रेशर पता लगने के बाद, उसके बारे में सीखने के बाद, हम रॉल्स लॉ पढ़ते हैं। रॉल्स लॉ क्या होता है कि कोई भी जो वोलेटाइल जो आपका सॉल्यूट है या फिर कंपोनेंट है दो लिक्विड इनटू लिक्विड के मिलाने में, उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उस वोलेटाइल लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर के प्रपोर्शनल होगा। पूरा स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर The partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. ठीक है, तो partial vapor pressure ये वो नहीं है। Henry में तो क्या होता है, गैस का partial pressure होता है, और यहाँ पे क्या है, partial vapor pressure है। क्यों? क्योंकि हम volatile liquids के लिए बात कर रहे हैं, तो उनकी volatile liquids की vapor form होगी solution की surface के। तो ये क्या है, partial vapor pressure है, जो कि proportion क्या है, mole fraction क्या है। तो ये हटेगा प्रोपोर्शनल एक्साइल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 नॉट आ जाएगा। ये क्या हो गया, उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा, ये P1 नॉट हो जाता है।
आई बात समझ में। और यहाँ पे पी टू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, या फिर पी टू टू पी टू नॉट एक्स टू हो जाएगा। और टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो पी वन प्लस पी टू हो जाएगा, या फिर एक्स वन पी वन नॉट प्लस एक्स टू पी नॉट। और इसमें एक्स वन को वन माइनस एक्स टू लिख सकते हैं, या फिर एक्स टू को वन माइनस एक्स वन लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बनेगा। तो पी टोटल का हम एक्स टू के साथ ग्राफ खींचते हैं, तो ये इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। ये तो हो गया पी वन और एक्स वन का, ये हो गया पी टू और एक्स टू का, और ये पी टोटल का हो गया ग्राफ पी वन प्लस पी टू का। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ का फॉल, और इसमें एक और आता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन आता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। पी वन की जो वैल्यू आएगी, मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ पी वन, वो क्या आ जाएगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, उसमें मान लो उसके जो एक नंबर कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन, ये क्या है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। एक तो होता है लिक्विड के अंदर, वो तो क्या एक्स वन, वाई वन क्या है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। समझ में आई, पर दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना। तो डॉल्टन्स लॉ कहता है ना, टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन गिव्स उसका पार्शियल पार्शियल प्रेशर। तो डॉल्टन्स लॉ अप्लाई किया है यहाँ पे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पी वन बराबर क्या हो गया वाई वन इंटू पी टोटल, या फिर पी टू बराबर क्या हो गया वाई टू इंटू पी टोटल, या जनरल पी वन बराबर वाई वन पी टोटल हो गया। और इससे अपन वाई वन और वाई टू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये आप सवाल देख लेना, बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और ये सवाल आपसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आराम से। ठीक है, आई बात समझ में। और रॉड्स लॉ जो है हेनरी लॉ के एक तरह से स्पेशल केस है। हेनरी लॉ में बस गैस होती है, इसमें लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है ना। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है रॉड्स लॉ की, सारी चीजें मैंने रॉड्स लॉ की बता दी है, वोलेटाइल कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। और अब नेक्स्ट जो रहता है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो रॉल्स लॉ को डिविएट करते हैं, फॉलो नहीं करते। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में आपस का कोई इंट्रैक्शन फोर्स है, मान लो उसको बोल दिया ए ए टाइप ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है उनमें मान लो कोई इंट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वैन डर वाल, लंदन फोर्स, किसी भी तरह का हो सकता है। तो वो कैसा है, मान लीजिए बी बी टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अब जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो अब इंट्रैक्शन टाइप क्या हो सकते हैं, ए ए टाइप और बी बी टाइप, ए बी टाइप हो सकता है, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ हो सकता है, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ। तो अब जो इंट्रैक्शन फोर्सेस बने हैं, अगर वो पहले वाले इंट्रैक्शन फोर्सेस के जैसे ही हैं, वैसे कि वैसे ही है उनकी इंटेंसिटी, तब तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि वो रॉल्स लॉ का पूरा फॉलो करेंगे। लेकिन अगर अभी वाले इंट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ज्यादा यानी कि वो एक दूसरे को पकड़े हुए रखेंगे, नेगेटिव डिविएशन। अगर बाद वाले अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वो एक दूसरे को पकड़े रखेंगे, एक दूसरे को पकड़े रखेंगे तो ऊपर की ओर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उन्होंने डिविएशन कैसे शो किया, नेगेटिव डिविएशन शो किया, यानी कि जो अब टोटल वेपर प्रेशर है वो जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले कम मिल रहा है, तो ये नेगेटिव डिविएशन होता है। और अगर इंट्रैक्शन फोर्स कम है, यानी कि उनके बीच में इतना कोई लेना देना नहीं है, तो वेपर ज्यादा बनेगी ऊपर, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिविएशन बोलेंगे। और नेगेटिव डिविएशन के अगर आइडियल सॉल्यूशन है उस केस में, तो मिक्सर का जो वॉल्यूम है चेंज आएगा, पहले और बाद में क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा भी मिक्सर ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये तो पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ है और ये नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ है। ठीक है, आई बस समझ में। जो पी वन है वो लेस देन पी नॉट वन एक्स वन हो जाता है, पी टू लेस देन पी नॉट टू एक्स टू हो जाता है, नेगेटिव डिविएशन है, और पॉजिटिव डिविएशन में ये वैल्यूज ज्यादा हो जाती है। और इसमें जैसे ये एग्जाम्पल भी लिया है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से इन दोनों में मिक्सचर के बाद में इंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ये कैसा शो करेगा, नेगेटिव डिविएशन शो करेगा ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें एजियोट्रॉप सॉल्यूशन भी ध्यान में रखना, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला बताया था कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे दो अलग अलग कंपाउंड बेंजीन और टोलुइन का बहुत बड़ा न्यूमेरिकल गलत
कराया था मैंने, उस पे बताया था कि वेपर आई, वेपर को कलेक्ट किया, कंडेंस किया, फिर वेपर बनाया, तो इस तरह से हाँ उसमें प्योरीफाई होता रहता है, प्योरीफिकेशन होता रहता है। लेकिन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन और वेपर, यानी कि लिक्विड और वेपर दोनों फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो सेम रहता है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दो तरह के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन को इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन, ठीक है। और जो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो तो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप सॉल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिनका पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होता है, जिनका कम होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जिनका कम हो जाएगा नेगेटिव डिविएशन, उनको आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उनका, समझ रहे हो ना। जिनका नेगेटिव डिविएशन आया है वेपर प्रेशर का, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर, तब बॉइल होता है। अब नेगेटिव डिविएशन आ गया तो अब आपको टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को बॉइल करने के लिए, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, जिनमें पॉजिटिव डिविएशन आता है, तो दोनों थोड़े उल्टे से कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनके कणों की संख्या पर ही निर्भर करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। सबसे पहले आर एल वी पी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम किसी सॉलिड, किसी सॉल्यूशन में कोई सॉलिड सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या करता है, उसकी सरफेस को कवर कर लेता है, तो उस वजह से जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल ऊपर आ नहीं पाते, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। और मान लो ये तो प्योर स्टेट में था पी वन नॉट, अब इम्प्योर स्टेट में कोई पी वन हो गया, तो पी वन नॉट माइनस पी वन क्या हो गया, डेल्टा पी वन हो गया, और डेल्टा पी वन क्या हो गया, चेंज इन वेपर प्रेशर। और उसमें हम जब उसके पी वन नॉट ओरिजिनल प्रेशर का डिवाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आर एल वी पी हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ही बराबर हो जाएगा एक्स टू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, एक्स टू के बराबर, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम एन टू अपॉन एन वन भी कर सकते हैं, यानी कि मोल्स ऑफ, अप्रोक्सीमेटली कैसे कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं, या फिर मोल्स को अपन वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आर एल वी पी का एक पूरा फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन किया गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप कर लेना। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब मान लो आपने सॉल्यूट को मिलाया, तो सॉल्यूट को मिलाने से वही है कि बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर 100 डिग्री पे, मान लो पानी गर्म होता था, उबल जाता था, लेकिन आपने सॉल्यूट को मिला दिया, तो अब जो एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर है वो 180 ना रहके, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना होगा उसका, 180 से थोड़ा कम होगा, लेकिन उसको 180 वेपर प्रेशर बनाने के लिए आपको पानी के टेम्परेचर को और ज्यादा 100 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपको इसके साथ साथ वो भी ध्यान में रखना है कि वेपर प्रेशर जब एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर प्रेशर के बराबर हो जाता है तब बॉइल कर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह देख लेना, और डेल्टा टी बी जो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, के बी आ जाएगा, ये क्या हो गया, इसको क्या क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ये इतने नाम इसके रहते हैं, ठीक है। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी, तो ये होता है, आई बात समझ में। और इसी तरह से नेक्स्ट, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। मान लो पहले 0 डिग्री पे बर्फ जम रही थी, लेकिन सॉल्यूट मिला दिया, तो उस केस में जो उस स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए था सॉलिड स्टेट में, अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और कम करना, ठीक है, उसके बराबर करने के लिए। तो रिलेटिव लोअरिंग वही सेम है, वैसे ही डेल्टा टीएफ हो जाता है मोलैलिटी के इक्वल, केएफ, और केएफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, है ना। मोलैलिटी को इस तरह से निकालते हैं जो पहले वाले फॉर्मूले थे। एक चीज यहाँ पे है,
केएफ और केबी के जो थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले हैं, केएफ को अपन ले सकते हैं आर एम टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा फ्यूजन ऑफ इनटू एच, और केबी के लिए यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा, यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। टीएफ और टीबी क्या हो गए, जो टेम्परेचर है फ्यूजन का टेम्परेचर हो गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, योर हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और एम हो गया उनके मोलैरिटीज, आर हो गया गैस कॉन्स्टेंट, ये तो मुझे मिल गया, ठीक है ओके। एम सॉरी यहाँ पे मोलर मास है मोलैरी के लिए, ठीक है आर एम टी स्क्वायर अपॉन 1000 एच। तो ये फॉर्मूले है, क्वेश्चन तो नहीं होते इनके, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिक प्रेशर पाई से इसको डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, जो सेमी परमेबियल लेयर होती है ना, जो अर्ध झिल्ली होती है, उससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। कैसे होता है ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन की हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, या फिर सॉल्यूशन की लो कंसेंट्रेशन, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपके, दोनों में कंफ्यूजन होता है, बता सकता है तुम बता सकते क्या होता है ये ऑस्मोसिस होता है, सॉल्यूशन के लो कंसेंट्रेशन से ये सॉल्यूशन की हाई कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही, और सॉल्वेंट की सॉल्वेंट की बिल्कुल सही, तो सॉल्यूशन की तो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की, और लेकिन सॉल्वेंट की हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, यानी कहने का मतलब क्या है, इधर तो NaCl वाटर है और उधर केवल वाटर है, अब पार्टिकल किधर से किधर जाएंगे, पार्टिकल ये NaCl के वाटर का फ्लो होगा, वाटर के पार्टिकल कहां से कहां जाएंगे, इधर से प्योर सॉल्वेंट से इधर की ओर आएंगे, ठीक है। तो ये होता है ऑस्मोसिस, और इसको स्टॉप करने के लिए जो रिवर्स प्रेशर लगाते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। पाई बराबर सी आर टी फॉर्मूला होता है, सी यहाँ पे कंसेंट्रेशन हो गई उस सॉल्यूशन की, और आर हो गया गैस कॉन्स्टेंट, टी हो गया उसका टेम्परेचर, सी को N2 अपॉन V ले सकते हैं, तो ये हो गया पाई का फॉर्मूला, ओके। और दो सॉल्यूशन अगर सेम उनका ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना, और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक भी होता है। हाइपरटोनिक जिसका ज्यादा है उसको, जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं दूसरे के रिलेटिव, जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं दूसरे के रिलेटिव, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कि अगर रिवर्स डायरेक्शन प्रेशर लगाया जाए तो ऑस्मोसिस का उल्टा प्रक्रिया होने लगती है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से अपन फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस कराएं तो। और एबनॉर्मल मोलर मास, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं रहा अभी, बोर्ड के बोर्ड में तो, लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कि इसमें वॉन्ट हैव फैक्टर पड़ते हैं। वॉन्ट ऑफ फैक्टर में क्या होता है, कि अगर मान लो मैं NaCl या KCl को मिलाऊं, तो जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो एक NaCl को जब मिलाया तो NaCl से दो मुझे मिले आयन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पूरा किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको क्या पता है NaCl डाला हमने या फिर KCl डाला हमने, क्या उसे क्या लेना होगा, तो कहेगा भाई आपने NaCl डाला एक, लेकिन अंदर जाते कितने बन गए, दो। तो हमारे जो जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। उसी से क्या मिलेगा हमें, अगर मान लो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम मोलर मास निकाले अलग अलग मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का, तो उससे मोलर मास क्या आएगा, एबनॉर्मल आएगा ना। उस एबनॉर्मल मोलर मास को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें दो डाले लेकिन एक बन गया, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, या फिर एक डाले तो दो बन गया, उसको इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती रहती है, और उसमें भी ऐसा है कि डाइमराइजेशन 100% ना हो, कि 50% 60% 40% हो, तो इसके लिए भी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करते हैं। तो आई की वैल्यू होती है नॉर्मल मोलर मास में एबनॉर्मल मोलर मास का डिवाइड कर दिया, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोलर मोल्स ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन और डिसोसिएशन आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद, और नीचे क्या हो जाएगा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। सर ऑब्जर्व मतलब जो बाद में आई, हाँ कैलकुलेट मतलब जो पहले, जो हमने कैलकुलेट कर ली केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है। और सभी के आगे हम क्या लगा देते हैं, फिर आई लगा देते हैं, जितने भी अपने आरएलवीपी हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सबके आगे क्या लग जाएगा अपना, आई लग जाएगा, आई बस में, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, क्लियर है चीज।